हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, यूर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा ग्रेविटेशन में नेक्स्ट इफेक्ट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। किसकी वजह से? अर्थ की शेप की वजह से। तो दिस इज द चैप्टर ग्रेविटेशन, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 8। और हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। थर्ड फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ। लेट्स स्टार्ट। एक्चुअल में बेटा जो शेप है अर्थ की वो हम स्फेरिकल बॉडी कंसीडर करते हैं, स्फीयर कंसीडर करते हैं, ठीक है। पर एक्चुअल में ये स्फीयर नहीं है, इसकी जो शेप होती है वो इस टाइप की शेप होती है। इट इज फ्लैटेंड फ्रॉम द पोल्स। ये जो पोल्स हैं इसके, यहाँ से ये क्या है, फ्लैटेंड, पिचकी हुई है। एंड ब्लजेज आउट फ्रॉम इक्वेटर, दिस इज द इक्वेटर। तो ये इक्वेटर है, तो इसकी जो रेडियस है आर ई, रेडियस ऑफ इक्वेटर, एंड दिस रेडियस इज नोन एज आर पी, रेडियस ऑफ पोल। ये हमारे पोलर एक्सिस एंड दिस इज द इक्वेटर एक्सिस। एंड वी नो द फॉर्मूला जी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये जी किस पे डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर रेडियस ग्रेटर है, इक्वेटर की बात करूँ मैं, ठीक है, इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ इक्वेटर का स्क्वायर, और पोल पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ पोल का स्क्वायर। अब हमें ये पता है ये जो इक्वेटर की रेडियस है ये ग्रेटर देन पोलर रेडियस, इससे ज़्यादा है। हाउ मच? 21 किलोमीटर। लिटिल बिट डिफरेंस होता है, फिर भी होता है, कितना, 21 किलोमीटर बेटा ये रेडियस ज़्यादा है। अगर ये इक्वेटर के रेडियस ज़्यादा है तो ये कम होगा, तो यहाँ पे जो ग्रेविटी होगी वो लीस्ट होगी, जी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, लीस्ट, मिनिमम। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं, दिस इज द इक्वेटर, इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे तो रेडियस डिक्रीज होगी, रेडियस डिक्रीज होगी तो ये क्या करेगी, जी की वैल्यू हमारी इंक्रीज करेगी, क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये आज का फर्स्ट टॉपिक, इसमें आपको क्या लिखना है, जस्ट शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली ए स्फेरिकल बॉडी, इट इज फ्लैटेंड फ्रॉम द पोल्स एंड ब्लजेस आउट, फ्लैटेंड एंड ब्लजेस आउट, बाहर निकली हुई होती है बेटा इक्वेटर से, ब्लजेस आउट, ब्लजेस आउट फ्रॉम इक्वेटर एंड फ्लैटेंड, फ्लैट एट पोल्स, पोल पे से क्या है, लिटिल बिट फ्लैट है, और यहां से क्या है, लिटिल बिट बाहर निकली हुई है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टू एंड दिस इज द एक्सप्रेशन। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट फोर्थ जो पॉइंट है बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा डेरिवेशन मैथ का रोल भी ज़्यादा है, तो आप एक्टिवली इसको देखेंगे, वॉच करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लैटिट्यूड ऑफ अर्थ, किसका इफेक्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लैटिट्यूड ड्यू टू लैटिट्यूड। लैटिट्यूड से आप क्या समझते हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड, या फिर इसको हम कह सकते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ, ऑन इट्स ऑन एक्सिस, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस, लैटिट्यूड। पहले तो हम लैटिट्यूड क्या होता है बेटा, इसको हम लैटिट्यूड किसी प्लेस का क्या होता है, इस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये जो प्लेन होता है बेटा इक्विटोरियल प्लेन, कौन सा प्लेन, इक्विटोरियल प्लेन, इक्विटोरियल प्लेन। और ये मान लीजिए कोई प्लेस है पी, कोई पॉइंट, कोई प्लेस पी, ठीक है। इस प्लेस को मैंने सेंटर ऑफ अर्थ से ज्वाइन किया, द लाइन ज्वाइनिंग दैट प्लेस टू द सेंटर ऑफ अर्थ मेक एन एंगल विद द इक्विटोरियल प्लेन से लैम्डा,
ये जो लैम्डा है दिस इज द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस. तो लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस क्या होगा, लैटिट्यूड ऑफ प्लेस इट इज द एंगल मेड बाय, इट इज द एंगल मेड बाय लाइन जॉइनिंग दैट प्लेस, लाइन जॉइनिंग दैट प्लेस टू द सेंटर ऑफ अर्थ. ये जो लाइन, कौन सी लाइन जॉइनिंग दैट प्लेस टू द सेंटर ऑफ अर्थ, मेक विद इक्विटोरियल प्लेन. किसके साथ एंगल बनाया, मेक्स विद इक्विटोरियल प्लेन, मेक्स विद इक्विटोरियल प्लेन. एंगल पी ओ, मान लीजिए ये ई पॉइंट इक्विटोरियल की वजह से ई कह दिया, तो ये जो एंगल है बेटा पी ओ ई, दिस इज लैम्डा. एंगल क्या है, लैम्डा. तो लैम्डा क्या है, इस प्लेस का लैटिट्यूड. अगर मैं बात करूं दिस इज द पोल्स, पोलर एक्सिस जिसके अबाउट हमारी अर्थ रोटेट करती है, ठीक है. तो अगर ये एंगल, ये प्लेस पोलर पे, यहां पे है पोल पे, एट पोल एंगल पी ओ ई कितना हो जाएगा, या फिर सिंपल लिखिए लैम्डा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. ये वाली जो लाइन है अगर ये ऐसे आ जाएगी तो ये एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री. इक्वेटर, ये वाली लाइन अगर ऐसे हो जाएगी तो लैम्डा 0 एट इक्वेटर, लैम्डा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है. ये हमने क्या डिस्कस किया, लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस डिस्कस किया. क्या डिस्कस किया, लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस डिस्कस किया. अब कोई भी बेटा बॉडी कंसीडर कर लो, स्फेरिकल बॉडी, कोई बॉल कंसीडर कर लो, ठीक है. मैं आपको दिखाता हूँ, कोई बॉल वगैरह हो, फुटबॉल हो, देखो. तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, कोई भी उधर देखना. तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक स्फेरिकल बॉडी कंसीडर की, ठीक है. और ये जो हमारी अर्थ है इस एक्सिस के अबाउट, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, पोलर एक्सिस के अबाउट मूव कर रही है, रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये वेस्ट है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, इस टाइप से रोटेट कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस. तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एवरी पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये अर्थ हमारी रोटेट कर रही है, ठीक है, अबाउट इट्स पोलर एक्सिस, पोलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है. और यहाँ पे हमने इस पर कोई मार्क लगा दिया, कोई भी हमने मार्क लगा दिया, ये स्टिकर है, ये मार्क है. तो जब मैं इसको घुमाऊंगा एक रिवोल्यूशन, तो ये मार्क भी एक रिवोल्यूशन कम्प्लीट करेगा. तो ये जो मार्क है ये क्या करेगा बेटा, एक रिवोल्यूशन कम्प्लीट करेगा, एक सर्कल कम्प्लीट करेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल. ऐसे इमेजिन करो, आप एक फुटबॉल लीजिए, उस पर एक डॉट लगा दो, ठीक है, मार्कर से कोई भी डॉट लगा दीजिए और उस फुटबॉल को घुमाओ, तो वो डॉट भी क्या कर रहा है, एक सर्कल बनाया उसने. ऐसे कैसा सर्कल, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल सर्कल. तो ये जो सर्कल दिखाया मैंने, जिसकी रेडियस मैं स्मॉल आर कह रहा हूँ, दिस इज द अर्थ हुज मास इज कैपिटल एम, दिस इज द सेंटर एंड आर इज द रेडियस. आर, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल, जो इस प्लेस ने बनाया, इस पॉइंट ने बनाया, ठीक है. इसकी भी नेमिंग कर दी बेटा, इसको मैंने सी पॉइंट कर दिया, क्लियर. तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, ये एंगल लैम्डा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, लैम्डा. डायग्राम को अच्छे से समझेंगे, ये एंगल लैम्डा, तो ये एंगल भी क्या, लैम्डा, अल्टरनेट एंगल. तो ये आर है, और ये कंपोनेंट क्या होगा इसका, अगर ये आर है तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, आर कोस लैम्डा, किसके इक्वल, स्मॉल आर के. इस वैल्यू का हम यूज़ करेंगे. फिर से देखिए, ये आर है टोटल, और ये एंगल लैम्डा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, आर कोस लैम्डा, और किसके इक्वल है, रेडियस. अगर कोई पॉइंट यहाँ पे होता तो ये सर्कल बन जाता, पर सेंटर कहाँ पे आता, एक्सिस, पोलर एक्सिस पे आता. जितने भी पॉइंट होंगे बेटा अर्थ पे, वो एक सर्कल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल सर्कल, और उनका जो सेंटर होगा इस एक्सिस पे लाई करेगा. इज इट क्लियर. तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया अभी तक, अब कंप्लीट डायग्राम देखिए. अब इसका जो वेट है बेटा, ठीक है, वो किधर लगेगा, इस वेट को हम कहेंगे mg towards the center of the earth, mg सेंटर की तरफ लगता है बेटा वेट, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है. वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब ये नहीं है नीचे, towards the center of earth, ठीक है. एक तो ये फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है,
दूसरा जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पॉइंट अर्थ मूव कर रही है तो ये भी मूव करेगा, इस पर एक फोर्स लगता है आउटवर्ड, ये फोर्स लगा इस पर आउटवर्ड, एम आर ओमेगा स्क्वायर। दोबारा से डायग्राम बनाऊंगा, आप एक बार अच्छे से देखिए, कुछ पॉइंट आपको क्लियर होंगे। एम आर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर, क्या नाम है इसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड दिस इज द वेट, इसको हमने ट्रू वेट कह लिया। जी क्या है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन अर्थ इज नॉट रोटेटिंग। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन अर्थ इज नॉट रोटेटिंग, और जब अर्थ ने रोटेट करना स्टार्ट किया अबाउट इट्स ऑन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो उस टाइम जो ग्रेविटी थी वो थी, लेट अस कंसीडर जी डैश। अब इसका मास तो एम ही है, पॉइंट का मास है, ग्रेविटी जी डैश होगी, तो इस बार जो वेट आएगा इसका, दैट इज द एपरेंट वेट, ये जो वेट है एपरेंट वेट एम जी डैश, और ये आपका पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। तो इस टाइप से बेटा हम इसमें डायग्राम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आपको क्या क्लियर होना चाहिए, लैटिट्यूड ऑफ प्लेस यहाँ पे हमने डिस्कस किया, लाइन जॉइनिंग दैट प्लेस टू द सेंटर मेक विद इक्वेटोरियल प्लेन, पोल पे लैटिट्यूड 90 डिग्री, इक्वेटर पे 0 डिग्री, उसके बाद आर जो हॉरिजॉन्टल सर्कल बनेंगे इसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल आर, ये कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ, तो आर कोस लैम्डा। थोड़ा सा लेंथी है बेटा डेरिवेशन, ठीक है, अच्छे से आप इसको देखिए, सब समझ में आएगा। तो अब मैं एक बार फिर से आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, लेटस ये हमारी अर्थ, दिस इज द पोलर एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, सभी पॉइंट आएंगे इसमें, ठीक है। दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेन, और यहाँ पे जो पॉइंट था सेंटर से मिलाया, यहाँ पे वेट लग रहा है बेटा इसका एम जी, ठीक है, और इस पर एक फोर्स लग रहा है ये आउटवर्ड, एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ऐसे अर्थ रोटेट कर रही है। तो अब यहाँ पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस पार्टिकल पे, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम में मैंने वो चीज़ दिखाई है जो हमने अभी डिस्कस की थी दोबारा से, तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो यहाँ पे बेटा मैंने आपको क्या बताया, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन अर्थ एट रेस्ट, अर्थ क्या है जब रेस्ट पे है, और जब अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेट विद ओमेगा, तो उस टाइम जो ग्रेविटी है उसको मैंने जी डैश कर लिया, तो उस टाइम ये वाले वेट को एम जी मैं बोलता हूँ ट्रू वेट, एक्चुअल वेट ट्रू वेट, और एम जी डैश एपरेंट एपरेंट वेट। तो अब दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं बेटा, इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो रिजल्टेंट है ये, दिस इज द एपरेंट वेट, ये पॉइंट आपका ओ था, ठीक है, ओ पी के एल, तो ये जो पी एल है ये एम जी डैश, पी एल है ये क्या है एम जी डैश, तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, ये जो डायगनल ऑफ द पैरेललोग्राम है ये इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है, यही हमें निकालना है, कंप्लीट द पैरेललोग्राम तो एम जी डैश डायगनल किसके इक्वल होगा, हमने पढ़ा है ना बेटा फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू, क्लियर दिख रहा है यहां तक, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा, तो ये आर है मैग्नीट्यूड, सॉरी रिजल्टेंट, किसका स्क्वायर, एम जी स्क्वायर, सेकेंड फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एम आर ओमेगा स्क्वायर टू ए बी कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता था बेटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, दो फोर्स के बीच में, अगर मैंने ये आपको लैम्डा बताया था तो ये लैम्डा हो गया अल्टरनेट एंगल, तो ये एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल होगा बेटा वो होगा 180 माइनस लैम्डा, कितना होगा 180 माइनस लैम्डा, और ये आपको आता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, 180 माइनस लैम्डा सेकंड कोऑर्डिनेट में, और इसमें कोस क्या से होगा माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, माइनस कोस लैम्डा लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा माइनस कोस लैम्डा, एक चीज़ तो क्लियर हुई, एम स्केयर कॉमन ले लिया बेटा, यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है, एम 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 स्केयर रूट से बाहर आएगा तो क्या लिखेंगे एम लिखेंगे,
रूट से बाहर आएगा तो क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, क्या रहेगा यहाँ पे, जी स्क्वायर प्लस एम तो बाहर ले लिया ठीक है, क्या रह गया, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा फोर सॉरी आर स्क्वायर ओमेगा फोर प्लस टू जी आर ओमेगा स्क्वायर जी आर ओमेगा स्क्वायर और इसकी जगह क्या लिखूंगा माइनस कोस लैम्डा माइनस कोस लैम्डा, तो ये साइन क्या हो गया आपका नेगेटिव साइन। पहली बात इधर क्या है लेफ्ट हैंड साइड में एम जी डैश, एम से एम कैंसिल हो गया, जी डैश किसके इक्वल है बेटा जी डैश। अब हमने यहां से क्या किया जी स्केयर कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया जी स्केयर, रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा जी आएगा, क्या बचा वन, तो यहाँ पे तो जी स्केयर है नहीं, जी स्केयर से गुना कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया जी स्केयर से डिवाइड कर दिया, इस तरह करना आता है आपको, इस टर्म को जी स्केयर से मल्टीप्लाई डिवाइड, जो मल्टीप्लाई किया वो बाहर निकल गया, जो डिवाइड किया वो यहीं पे रह गया, तो वन प्लस आर की वैल्यू क्या बताई थी बेटा मैंने आपको, स्मॉल आर ये रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल स्मॉल आर, ये वैल्यू बताई थी मैंने आपको आर कोस लैम्डा, ये वाली वैल्यू भी पुट कर लेंगे ठीक है। फिलहाल मैंने जी कॉमन लिया है, एक स्टेप कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या रह गया आर, आर की वैल्यू भी साथ के साथ पुट कर देता हूँ, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा ओमेगा स्क्वायर और डिवाइड में जी स्क्वायर, यहाँ पे एक जी है और हमें क्या चाहिए रूट से बाहर निकालना है जी स्क्वायर चाहिए, तो एक जी से मल्टीप्लाई कर दिया एक जी से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस जी तो बाहर चला गया आर ओमेगा स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू आर कोस लैम्डा ओमेगा स्क्वायर और कोस लैम्डा एक हो रहा है तो कोस स्क्वायर और एक जी से हमने डिवाइड किया। मैथ है बेटा प्योर मैथ है ठीक है और कुछ नहीं है इसमें फिजिक्स। अब ये वाली जो टर्म है आपकी आर ओमेगा स्क्वायर जी ये क्या है फोर आर ओमेगा स्क्वायर जी आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है बेटा 6.6 रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 6400 किलोमीटर ठीक है मीटर में बना लिया जी 9.8 ओमेगा की वैल्यू क्या होगी बेटा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी टी टाइम पीरियड कौन सा टाइम पीरियड अर्थ जो अपने एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है कितने टाइम में पूरा करेगी रिवॉल्यूशन वन डे 24 आवर्स तो 2 पाई और 24 आवर्स के हमने सेकंड बनाए 2 पाई 24 आवर्स के ये 60 से मल्टीप्लाई कर दिया मिनट बन गए अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड्स बन गए तो इसकी जो वैल्यू आएगी आफ्टर कैलकुलेशन बेटा 1289 के करीब आ रही है कितनी वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेट 1/289 कितनी वैल्यू है 1/289 तो ये जो वैल्यू है बेटा वेरी वेरी स्मॉल ये वैल्यू क्या है वेरी स्मॉल ठीक है ये वाली वैल्यू तो हम क्या करेंगे अगर इसकी पावर और कर देते हैं सपोज करो कोई स्मॉल वैल्यू है लाइक 0.001 और इसका स्केयर कर दिया तो और ज़्यादा स्मॉल होगी तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो इसकी जो हायर पावर है जैसे कि आर ओमेगा स्केयर जी ये तो है यहाँ पे अब इसका भी स्केयर कर दिया आर स्केयर ओमेगा फोर जी स्केयर तो और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी सो वी नेग्लेक्ट द हायर पावर वी नेग्लेक्ट द हायर पावर ऑफ किसकी हायर पावर आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी की हायर पावर को पावर टू है पावर थ्री है उसको हमने क्या कर दिया नेग्लेक्ट कर दिया यहाँ पे है इसकी पावर टू तो क्या रह जाएगा बेटा जी डैश था ना ये जी डैश जी क्या रह जाएगा इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया आर स्क्वायर ओमेगा फोर जी स्क्वायर को तो ये रह गया वन प्लस कोस्केयर लैम्डा और यहाँ पे क्या रह जाएगा आर कोस्केयर लैम्डा ओमेगा स्केयर अपॉन जी एक बार यहाँ तक नोट करो बेटा देखिए बेटा यहाँ पे ये वाली टर्म तो हमने क्या कर दी नेगलेक्ट कर दी ये वाली टर्म नेगलेक्ट कर दी तो ये वाली टर्म तो वैनिश कर जाएगी क्या कर जाएगी वैनिश तो क्या रह जाएगा इसमें ये वाली टर्म हमारी ख़त्म हो गई
यहाँ पे ये वाली टर्म खत्म, 2gr ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा, 2gr की वैल्यू रखी हमने, 2 तो रहेगा, सॉरी 2g, ठीक है, ये 2 नहीं लिखा था, ये 2 और आ गया यहाँ पे जस्ट। तो अब क्या रह गया यहाँ पे, माइनस में 2r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g कोस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है बेटा यहाँ तक। अब ये वाली जो टर्म है इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन देखिए कैसे। बाइनोमियल एक्सपेंशन सॉल्व बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो क्या कहता है बेटा राइट हैंड साइड में बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो इसकी पावर क्या है एक्चुअल में, 1 माइनस 2 आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा अपॉन जी पावर 1/2, अंडर रूट है ना, पावर 1/2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये 1/2 है, इधर आ जाएगा, कल परसों भी हमने डिस्कस किया था बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो भी पावर है जिस भी साइन के साथ है वो इधर आ जाएगी, जी 1 माइनस 2 और 1/2 और आ गया यहाँ पे, तो 2 से 2 कैंसिल, आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा अपॉन जी, तो ये आ गया बेटा आपका जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा अपॉन जी, जी से मल्टीप्लाई कर दिया, जी डैश इज इक्वल टू जी और जी से जी ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। लैम्डा क्या बताया हुआ है बेटा आपको, लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, लैम्डा क्या है, लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। इसके दो सिंपल केस और देखिए, ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला, फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ एट पोल्स, पोल्स पे बेटा लैम्डा कितना 90 डिग्री, पोल पे 90, कोस 90 कितना होता है 0, तो पोल पे जो वो वैल्यू आएगी ग्रेविटी की या जी डैश किसके इक्वल होगी, जी के इक्वल होगी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, मैक्सिमम वैल्यू, एंड दिस इज द मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कहाँ होती है, शेप में भी हमने डिस्कस किया, इक्वेटर से पोल पे जाते ग्रेविटी इंक्रीज करती है, एट इक्वेटर लैम्डा की वैल्यू कितनी है बेटा 0, इक्वेटर कोस 0 1, तो यहाँ पे जी डैश जी इक्वेटर किसके इक्वल होगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और ये वैल्यू जो है ये मिनिमम वैल्यू है, कैसी वैल्यू है मिनिमम। तो यहाँ पे बेटा दो चीज़ों पे वैल्यू डिपेंड करती है, एक तो ओमेगा पे और एक लैम्डा पे, एक ओमेगा पे एक लैम्डा पे। तो जितना ओमेगा ज़्यादा होगा उतना ही जी कम होगा, जितने फास्ट रेट से अर्थ हमारी रोटेट करेगी अबाउट इट्स ऑन एक्सिस जी की वैल्यू क्या करेगी डिक्रीज। तो दो पॉइंट लिखता हूँ, जी डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ ओमेगा, जैसे जैसे ओमेगा ग्रेटर होगा ये वाली टर्म ज़्यादा होगी तो ये वाली टर्म क्या होगी बेटा लेस, जी डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ ओमेगा। जी की वैल्यू जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, जी डैश कर लीजिए, या फिर जब वो रोटेट कर रही है वो ज़्यादा रेट से रोटेट करेगी तो ये वैल्यू क्या करेगी डिक्रीज करेगी। इसमें लैम्डा से हम क्या कह सकते हैं, ऑल्सो जी इंक्रीज लैम्डा मीन्स लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, लैम्डा मीन्स लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, तो जी की वैल्यू का क्या करेगी बेटा इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज ऑफ लैम्डा। देखिए कैसे करेगी, लैम्डा इंक्रीज कर रहा है, लैम्डा 0 डिग्री के बाद लैम्डा, जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा तो ये वाली टर्म क्या होगी डिक्रीज होगी, तो ये वाली टर्म क्या होगी इंक्रीज होगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट केस थे बेटा, पोल पे और इक्वेटर पे, एंड इन दो फैक्टर्स पे हमारा जी डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
क्या टॉपिक डिस्कस किया बेटा? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब होता है अर्थ जो अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, पोलर एक्सिस, टाइम पीरियड 24 आवर्स। ठीक है, तो मैथ का ज़्यादा पोर्शन है बेटा, न्यूमेरिकल पोर्शन जो है इसमें डेरिवेशन, आप अच्छे से वीडियो को देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मैं आपको एडवाइस करता हूँ, एक बार जब पूरा वीडियो अच्छे से देख ले तो इसको रफ में एक बार ड्राइव करके देखिए एक्सप्रेशन, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा बेटा आपका कहाँ पे मिस हुआ है कंसेप्ट। ठीक है, तो आप उस चीज़ को दोबारा से प्रिपेयर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।